pânico, pânico. श्रेया, दिमाग तो ठिकाने है तेरा, गिर जाती है अभी। सोच क्या रही थी तू? हुआ क्या है तुझे? बोल। छोड़ मुझे। क्या फर्क पड़ता है तुझे? मेरी लाइफ में मैं जीऊँ या मरूँ, तू जाए यहाँ से। श्रेया, हुआ क्या है तेरे साथ? बता मुझे। हुआ क्या है मेरे साथ? तो फिर जब माँ-बाप ही बात को छुपाना चाहते हैं, तो तू जरा समझ से काम ले, तू ही बता जो भी हुआ उसमें तेरी क्या गलती? मेरी ही तो गलती है, रात को फ्रेंड की पार्टी में गई अकेले, तैयार होके गई। मम्मी कहती है मेरी गलती है, पापा कहते हैं मेरी गलती है, मेरी ही तो गलती है। देख, तो खुद को इतना दोष मत दे, जिनकी गलती थी उन्हें सजा जरूर मिलेगी। तो ये सब सिर्फ इसलिए बोल रहा है क्योंकि क्योंकि तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बदनामी तो मेरी होगी ना, सवाल तो मुझ पे उठाए जाएंगे। और फिर जब मेरे मम्मी पापा ही मेरे साथ नहीं है तो समाज, दोस्त, इंसाफ, अगर लड़की दूसरे की है तो लोग सड़क पे उतर आएंगे, मोमबत्तियां जलाएंगे, कानून, इंसाफ, फांसी की सजा की मांग करेंगे। और अगर लड़की अपने घर की है तो बात को दबा दो, कहीं पता नहीं चलना चाहिए, अरे शादी कैसे होगी, घर का नाम खराब होगा, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। नहीं, नहीं चाहिए मदद ऐसे समाज की, नहीं चाहिए इज्जत ऐसे समाज में। अगर यही समाज है तो तुम्हें ही मुबारक हो ऐसा समाज।